जय श्री कृष्ण श्रोताओं, आप सभी का मैं अपने इस YouTube चैनल पर स्वागत वंदन और अभिनंदन करता हूं तथा आप सभी से निवेदन करता हूं कि जिन लोगों ने अभी तक मेरा यह चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे निवेदन है कि वे जरूर सब्सक्राइब कर देवें तथा बेल आइकन को दबा देवें। तो प्रिय श्रोताओं, इससे पहले की कथाओं में हम लोगों ने विभिन्न विभिन्न पात्रों से महाभारत की कथाओं में परिचय प्राप्त किया। आज मैं जिस पात्र की घटनाक्रम, जिस पात्र की कथा सुनाने जा रहा हूँ, वे महाभारत का सबसे महत्वपूर्ण पात्र माना जा सकता है और वह है कर्ण। जी हाँ दोस्तों, कर्ण। कर्ण के बारे में मैंने इससे पहले भी कर्ण का उदय की कथा, कर्ण के पैदा होने की कथा को बताया था कि किस प्रकार से दुर्वासा ऋषि के मंत्र के प्रभाव से माता कुंती ने कर्ण को जन्म दिया और जन्म देते ही एक बक्से में वो बहा दिया गया तथा अधीरथ नाम के सारथी ने उसको पाला पोसा। आइए कर्ण के बारे में और कुछ शिक्षाप्रद बातें जानते हैं। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि पांडवों ने पहले कृपाचार्य से और बाद में द्रोणाचार्य से अस्त्र शस्त्र की शिक्षा पाई थी। जब विद्या में वो काफी निपुणता प्राप्त कर दिए तो एक भारी समारोह का आयोजन किया गया और उसमें सबने अपने कौशल का प्रदर्शन किया। सारे नगरवासियों इस समारोह को देखने के लिए इकट्ठे हुए थे। बहुत बड़ा आयोजन किया गया था। सभी अस्त्र शस्त्र, जो ये जो कौरव और पांडव लोग थे, जो अपने अपने अस्त्र शस्त्र का उसमें प्रदर्शन करने लगे। पांडु पुत्र अर्जुन का कोई सानी नहीं था। अर्जुन ने धनुर्विद्या का इस प्रकार से कमाल दिखाया, इस अद्भुत चतुराई से उन्होंने अपना कमाल दिया कि सारे दर्शक, सारे राजवंश उपस्थित चकित रह गए और यहाँ भी दुर्योधन मन ही मन ईर्ष्या करने लगा था। अभी खेल चल ही रहा था कि दर्शकों और खिलाड़ियों के बीच एक शब्द सुनाई देता है और वह क्या शब्द है? कर्ण की इस प्रकार से चुनौती को देखकर दर्शक मंडली में खलबली मच जाती है। इस प्रकार से अर्जुन को चुनौती हुआ देखकर दुर्योधन को बड़ी राहत मिलती है और उन्होंने तपाक से कर्ण का स्वागत करते हुए छाती से लगा लेता और कहता है, कहो कर्ण कैसे आए? आई आइए, तुम्हारा स्वागत है। उन्होंने कहता है कि राजन, मैं अर्जुन से द्वंद्व युद्ध करने आया हूं। कर्ण की चुनौती सुनकर अर्जुन को भी बड़ा तैस आया। अर्जुन ने कहा कि तुम यहां बिना बुलाए क्यों आए हो? कर्ण ने कहा, अर्जुन यह उत्सव केवल तुम्हारा ही नहीं है, हम सभी प्रजाजनों का है, प्रजाजन इसमें भाग ले सकते हैं। कर्ण, जब कर्ण ने अर्जुन को इस प्रकार से चुनौती दी तो दर्शक लोगों ने तालियां बजाकर और कोलाहल बजाकर उनका स्वागत किया और दो दल बन गए। वर्तमान में आज भी जैसे बनते हैं, एक दल अर्जुन को बढ़ावा देने लगा और दूसरा कर्ण को बढ़ावा देने लगा। इस प्रकार से क्या होता है, संसार में पार्टीबाजी का ये जो रिवाज है वो मुद्दतों से चला रहा है। इस प्रकार का नहीं तो इस प्रकार से दो दल बन जाता है। अब क्या होता है, कुंती ने कर्ण को देखा तो पहचान लिया, किंतु भय और लज्जा से वे कांप गई और मूर्छित हो जाती है। दूसरी दासियों ने उसे पानी के छींटे वीटे मारकर उसको मूर्छा को भंग करता है, किंतु कुंती किंकित विमूर्छित वहीं बैठी रह जाती है। इसी बीच क्या होता है कि कृपाचार्य ने उठकर कर्ण से कहा कि अज्ञात वीर, महाराज पांडु का पुत्र और कुरु वंश का वीर अर्जुन तुम्हारे साथ द्वंद्व युद्ध के लिए तैयार हो, परंतु द्वंद्व युद्ध से पहले इनका नियम यह है कि वह परिचय दीजिए, क्योंकि द्वंद्व युद्ध बराबर वालों से ही होता है। कुल का परिचय पाए बगैर राजकुमार कभी द्वंद्व युद्ध नहीं करते, ऐसा कहके कृपाचार्य ने कर्ण से कहा। कर्ण की, कृपाचार्य की बात सुनकर कर्ण ने सिर झुका लिया। यह सुनकर
दुर्योधन उठ खड़ा हुआ और कहता है कि अगर बराबरी की ही बात है तो मैं आज ही कर्ण को अंग देश का राजा बनाता हूँ। यह कहकर दुर्योधन ने तुरंत पितामह भीष्म पिता धृतराष्ट्र से अनुमति लेकर वहीं रंगभूमि में ही उनका राज्याभिषेक कर दिया और उसे अंग देश का राजा घोषित कर दिया। इतने में क्या होता है कि एक बूढ़ा सारथी जिसका नाम अधीरथ रहता है, जो उसका पिता रहता था और जिन्होंने कर्ण को पाला पोसा रहता है, वो लाठी देखता हुआ आता है। इतने में क्या होता है, कर्ण का अंग देश का राजा बन गया ऐसा देखते हैं तो उसको आशीर्वाद देते हैं। कर्ण धनुष को नीचे रखकर अपने पिता को बड़े आदर सत्कार से उसका प्रणाम करता है। बूढ़े बाप ने भी बेटा कहकर उसको आशीर्वाद देता है। ऐसा देखकर भीम खूब कह कहे मार कर हंसता है और बोलता है, वाह सारथी के बेटे, धनुष छोड़कर हाथ में चाबुक ले लो चाबुक। यह देखकर सभा में खलबली मच जाती है और कानाफूसी भी होने लगती है। कुछ राजा कर्ण की जय बोलने लगते हैं, कुछ दुर्योधन की जय बोलते हैं और कुछ अर्जुन की भी जय बोलने लगते हैं। तो इस प्रकार से सभी दलों में विभक्त हो जाते हैं क्योंकि सूर्यास्त का समय हो चुका रहता है, इसलिए इस कार्यक्रम को यहीं पर समाप्त कर दिया जाता है। एक और कर्ण से जुड़ी हुई घटना मैं आप लोगों को इस कथा के माध्यम से सुनाता हूँ कि एक बार की बात है। एक बार देवराज इंद्र बूढ़े ब्राह्मण का वेश धरकर अंग नरेश कर्ण के पास आए और उनके जन्मजात कवल कुंडलों की भिक्षा मांगी। देवराज क्या था, देवराज इंद्र को डर था कि युद्ध में कर्ण की शक्ति से उनके पुत्र अर्जुन पर विपत्ति आ सकती है। इसी कारण कर्ण की ताकत कम करने की इच्छा से ही उन्होंने दानवीर कर्ण से यह भिक्षा मांगी थी। क्या था दोस्तों, कर्ण बहुत बड़ा दानी था और उसका नित्य का यह क्रिया था कि उस प्रातः काल सरोवर में स्नान करने के बाद जो भी याचक पहला मिलता और जो भी मांगता वह उसको जरूर देता था। यह इस प्रकार से वो बहुत बड़ा दानवीर था। अच्छा, कर्ण को उसके पिता सूर्यदेव ने पहले ही सचेत कर दिया था कि देखो बेटा, कर्ण तुमसे ऐसे ऐसे चाल के तहत ये मांगने आएगा भिखारी का वेश धरकर, तुम अपने जन्मजात कवच और कुंडल उसको निकालकर भिक्षा में मत देना क्योंकि यही तुमको बचा के रखेगा। किंतु इस अद्भुत दानवीरता अपने दानशीलता के कारण वे देवराज इंद्र को यह जानते हुए भी कि देवराज इंद्र है, मना नहीं करते हुए अपने कवच कुंडल उनको दान में दे देता है। इस अद्भुत दानवीरता को देखकर देवराज इंद्र भी चकित रह जाते हैं और कर्ण की प्रशंसा किए बगैर नहीं रह जाते हैं। उन्होंने कहा कि कर्ण तुमने जो आज काम किया है वह किसी के बूते नहीं है, तुम जैसा दानी इस दुनिया में और कोई नहीं होगा। और इससे खुश होकर उन्होंने देवराज ने कर्ण को अपना शक्ति नामक अस्त्र प्रदान किया और यह कहा कि यह शक्ति नामक अस्त्र मैं तुमको प्रदान कर रहा हूं, तुम जिसको लक्ष्य करके चलाओगे वह उसको मारकर ही वापस आएगा, तत्पश्चात वो मेरे पास वापस आ जाएगा। ऐसा कहकर देवराज इंद्र चले गए। कर्ण की कथाओं में एक कथा और है मैं सुनाता हूं। क्या होता है, एक बार की बात है, कर्ण को परशुराम जी से ब्रह्मास्त्र सीखना था, उससे बहुत सारे ऐसे शस्त्र सीखने थे क्योंकि अर्जुन से उनको देर सवेर युद्ध करना ही था। और यह पता था, सबको पता था कि भगवान परशुराम ब्राह्मणों को छोड़कर अन्य किसी को शस्त्र विद्या नहीं सिखाते थे। इसलिए क्या किया, कर्ण जो है ब्राह्मण का वेश बनाकर परशुराम जी के पास गए, उनसे बहुत अनुनय विनय प्रार्थना की कि मुझे शिष्य स्वीकार कर लीजिए। परशुराम ने उसे ब्राह्मण समझकर शिष्य स्वीकार कर दिया और उसे बहुत सारे विद्याओं के अतिरिक्त ब्रह्मास्त्र चलाना भी सिखा दिया। तो इस प्रकार से कर्ण ने छल से परशुराम से ब्रह्मास्त्र सीखा। अब एक दिन की बात है, परशुराम कर्ण की जंघा पर सिर रखकर एक पेड़ के नीचे सो रहे थे। इतने में काला भौरा, बहुत बड़ा भौरा, कर्ण की जांघ के नीचे घुसकर उसे काटने लगता है। तो कीड़े के काटने से कर्ण को बहुत पीड़ा हुई और लहू की धारा बहने लगी और इस लहू की धारा जब बहने लगी वो गुरुदेव को जब छूने लगी तो अचानक गुरुदेव नींद से जाकर उठ बैठे
और जब देखा कि भाई कर्ण का जो ये जांग है उसके खून की धारा बह रही है और इतना सहनशील व्यक्ति परशुराम को जानते हुए जरा भी देर न लगी, उन्होंने उसी समय कर्ण से कहा कि बेटा सच सच बताओ तुम कौन हो। इतनी शारीरिक पीड़ा सहते हुए स्थिर रहना हम ब्राह्मणों के बूते बात नहीं है, तुम ब्राह्मण हो ही नहीं सकती, हो न हो तुम कोई क्षत्रिय होगे क्योंकि क्षत्रिय इतना पीड़ा सह सकता है। अब कर्ण अपने असली बात को छिपा न सका और उन्होंने स्वीकार कर लिया कि वह ब्राह्मण नहीं बल्कि एक सूत पुत्र है। यह जानकर परशुराम को बड़ा क्रोध आया क्योंकि क्षत्रियों के तो वे दुश्मन थे ही थे और उन्होंने यह भी देखा कि इन्होंने छल से मुझसे विद्या सीखी है। अतः उसी घड़ी कर्ण को श्राप देते हुए कहा कि तू क्योंकि तुमने अपने गुरु को धोखा दिया है, विद्या तुमने मुझसे छल से सीखी है, अतः एन वक्त पर तुम उसे भूल जाओगे और जब रण क्षेत्र में तुम्हें सबसे ज्यादा जरूरत होगी उस समय यह काम नहीं आएगी। और परशुराम का यह श्राप झूठा नहीं गया। जीवन भर कर्ण को उनकी सिखाए हुए ब्रह्म विद्या या अन्य विद्या याद रही, परंतु कुरुक्षेत्र के मैदान में जब अर्जुन से अंतिम युद्ध होता है तब वह इन सारे विद्याओं को वह भूल जाता है। दुर्योधन के घनिष्ठ मित्र कर्ण ने अंत के समय कौरवों का साथ, अंत तक कौरवों का साथ नहीं छोड़ा, बात तो सत्य है, लेकिन कुरुक्षेत्र के युद्ध में भीष्म और आचार्य द्रोण के आहत हो जाने के बाद दुर्योधन ने कर्ण को ही कौरव सेना का सेनापति बनाया। कर्ण ने दो दिन अद्भुत युद्ध कौशल का परिचय दिया और आखिर जब शापवश उनका रथ का पहिया जमीन में धस गया और धनुष बाण रखकर जमीन में धसा पहिया निकालने का प्रयत्न करने लगा, तभी अर्जुन ने उस महारथी पर प्रहार किया। माता कुंती ने जब यह सुना कि कर्ण का देहावसान हो गया उसके दुख की सीमा न रही। तो प्रिय श्रोताओं, इस प्रकार से यह कर्ण की बहुत ही संक्षिप्त और सारगर्भित कथा है। महाभारत में बहुत ही इम्पोर्टेंट पात्र है कर्ण। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की कथा बहुत ही रोचक, ज्ञानवर्धक और अच्छी लगी होगी। आगे की कथाओं में इस प्रकार की अन्य पात्र परिचय के साथ कथा लेकर आप सभी के समक्ष आऊंगा। तब तक के लिए जय जय राधे कृष्ण, जय जय कृष्ण।